से ही ये पूरी पोजीशनिंग जो है वो क्रिएट की गई है। माइक्रो उजी है नियो के पास, तो डेफिनेटली क्लोज रेंज के लिए ये एक अच्छा लीथल वेपन साबित हो सकता है। ज़ीगोट बार बार आगे जा रहे हैं, डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स को स्पॉट करने का वो प्रयास था, बट अभी तक के लिए कोई भी प्लेयर को यहाँ पर क्लियर विसिनिटी में देख नहीं पाया। फाइनली अब यहाँ पर मौका बना था, अपने खाते में सकते हैं कि TSM अब स्टेबलाइज हो चुकी है। जोनाथन यहां पर एक ओपनिंग निकाल कर जाते हैं, जिनको अटैक करना था वहां से फिनिश पॉइंट से निकल गए। जो थर्ड पार्टी आई है उसे भी रोक दिया गया है। जोनाथन एक बार फिर से यहां पर 1v2 के लिए जितने जल्दी हो सके नॉकआउट निकालेंगे। दूसरा अगर बात करें नींजा भी यहाँ पर टीम इनसेन के साथ फाइट लेते हुए नजर आ रही है एंड जितना जल्दी हो सके टीम एंटिटी को यहाँ पर फिनिश ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले भी जब टाइम टेकिंग कर लिया था वहां पर एक थर्ड पार्टी हमें देखने को मिल चुकी थी और अभी के लिए एस पावर आगे बढ़ेंगे और शायद अब मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल और अब लाइफ राउंड की तरफ अगर मैं बात करूँ इस खिलाड़ी की तरफ ही अगर चलते हैं कि वो भी की तरफ अगर बात करें लेकिन क्या ये निकाल पाएंगे जोनाथन आगे जा चुके और फाइनली यहाँ पर कन्फ
एलिमिनेट हो चुके हैं। साथ ही साथ नियो को भी यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया। सामने से बात करें स्कारलेट क्रिमर्स एक अच्छी यहाँ पे इन फॉर्म टीम चैलेंज करेंगे यहाँ पे टीम टपाटप, जो कि दोनों ही टीम्स की बात करें तो कमाल के फॉर्म में है फिलहाल। बिल्कुल, अभी के लिए अगर एसजी की बात करें, ये टीम यार जब से हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से, आई थिंक 4-5 दिन पहले ही अपना डेब्यू किया इन्होंने यहाँ पे, और जब से आए हैं डेली कंसिस्टेंट है, डेली यहाँ पे टॉप फ्रैगर्स बन के उभर रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पे बात करें टीम टपाटप, जो एक और शानदार टीम है जो अग्रेशन के लिए जानी जाती है, वो भी अब इनके साथ फाइट लेते हैं। आपको नजर आ जाएगा नियो वहां पे नॉक पड़े हैं, जोनाथन जो 3 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो नियो को रिवाइव करें या तो वो आगे फाइट को एंगेज करें, और मेरे ख्याल से अभी के लिए वो नियो को रिवाइव करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बाकी प्लेयर जो टपटप के हैं वो भी अभी काफी जल्दी यहाँ पे आ सकते हैं, उनको भी मेरे ख्याल से थोड़ा संभलना पड़ेगा क्योंकि एसजी की तरफ से ऑलरेडी फ्लैंकिंग शुरू कर दी गई है। ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। स्मॉल प्लेयर यहाँ पे जो क्लच गॉड है शैडो को नॉक करते नजर आ जाएंगे। गमला वो सामने से है, स्मॉल प्लेयर के ऊपर भी शॉट आ जा रहे हैं। गमला बॉय को यहाँ पे गोट की तरफ से नॉक कर दिया जाता है। एडवांटेज अभी टीम टपटप के फेवर में। सोमराज वहां पे बचे हुए हैं, आखिरी प्लेयर एक्चुअली नहीं, सोमराज यहां पे है, ओजी को भी रिवाइव कर दिया गया, पुकार भी वहां पे अभी बचे हुए हैं। मैं जरूर देखना चाहूंगा इस फाइट का अंजाम क्या होता है। क्लच गोट को यहां पे स्पॉट कर लिया गया है, कवर देने की तलाश में। जोनाथन को यहां पे स्प्रे दिया जा रहा है, जोनाथन को पहले यहां पे नॉक करने की कोशिश, बट अभी के लिए नॉक नहीं कर पाएंगे। 3-4 प्लेयर एक्चुअली बिल्कुल सामने खड़े हैं। जीगोट को यहां पे नॉक करते हुए काफी अच्छा पिक उनकी तरफ से, बट क्या यहां पे जीगोट को बचाया जा सकता है? जी नहीं, जीगोट को स्ट्रेट अवे फिनिश भी कर दिया जाएगा। ओजी को यहां पे नॉक करा जाता है, पीछे से कवर अभी भी यहां पे आ रहा है। इट्स जस्ट अमेजिंग, स्मॉल प्लेयर वुड बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या स्मॉल प्लेयर क्लच गॉड अपनी टीम को बचा सकते हैं? इट्स गोइंग टू बी 1 vs 1 एंड एवरीवन इज जस्ट नॉक्ड, और यू नो दे आर जस्ट फिनिश्ड। बिकॉज यहाँ पे जो मैं बोल सकता ना, ये 1 से 1.5 मिनट का जो सिलसिला रहा, मानो एक तरफ यहाँ पे फाइट की जा रही है तो दूसरी तरफ डिफेंड भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जोनाथन बात करें तो वहां पे जल्द से टेक डाउन, नियो यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे, उनको बचाने से कामयाबी नहीं मिल पाई इनको। एंड ये पूरे सिचुएशन में सबसे ज्यादा मुसीबत यहाँ पे क्रिएट किए हुए, सोमराज एक अलग एंगल पे थे, स्प्रेज किए करते ही चले गए। एंड उसके बाद
मौका नहीं दिया यहाँ पे संभालने का। तो हमारा स्टिल अपने टाइम ले जा रहे हैं, अपने हेल्थ को थोड़ा सा यहाँ पे रिकवर करने के। दूसरी तरफ जोनाथन को यहाँ पे रिवाइवल का मौका अगर मिल गया तो बेटर हो सकता है। शॉट AWM के साथ कनेक्शन बात की जाए, अगर हेड पे यहाँ पे जरूर से कनेक्ट अगर मिल पाता तो पूरी काम यहाँ पे समाप्त की जा सकती थी यहाँ पे इसी की तरफ से। लेकिन बात करते साम्राज्य यहाँ पे ट्राई करेंगे रिवाइव की तरफ जाएंगे, पुकार को यहाँ पे रिवाइव दे दिया जाएगा बिल्कुल सही टाइम पे, क्योंकि एक क्षण का भी यहाँ वेट होता तो दिक्कत हो सकता। दोनों साइड बात करें 2v4 में यहाँ पे 2v2 सिचुएशन बहुत जल्दी से देखने को मिल सकता है। What a close fight this has been so far. सीधा यहाँ पे जोनाथन को रिवाइव करके स्मॉल प्लेयर आगे चले गए। उनको पता है कि अपोनेंट को रिवाइव करने का मौका नहीं देना चाहिए, जाने की कोशिश। जोनाथन भी अपने आप को हील करके जाने की कोशिश करते हुए एसजी के प्लेयर्स की तरफ। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। हेलमेट वेस्ट डैमेज्ड है दोनों ही टीम्स का, मेरे ख्याल से यहाँ पे जरूर होगा। एक अच्छा नेड वहां पे आता हुआ, थोड़ा सा डैमेज जरूर दिया, बट स्मोक्स वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जोनाथन अपनी पोजीशन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हुए रैंडम स्प्रेस स्मोक के अंदर, बट इट इज नॉट वर्किंग। जोनाथन दोबारा से पोजीशन को चेंज करेंगे एंड आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल प्लान कमिंग इन बुलेट कनेक्ट होता है प्रोन, वो जरूर से अपने आप को कर लिए होंगे। लेकिन अब जो बोल सकते हैं ना, हेल्थ जिस तरीके से लूज किया, यहाँ पे बात की जाए तो स्काइलिंग का सफर समाप्त हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस कुछ टॉप क्लास देखने को मिला है टीम्स की तरफ से। दोनों ही टीम्स ने प्रयास कमाल का किया, 20 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अब जाके ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ ये जा चुके हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स की बात करें तो बैक साइड चाहते हैं, चौथा की बात करें स्पॉट करेंगे, नॉक करेंगे एंड फियर्स के साथ सांगवान का नॉक, साथ ही साथ ग्रेनेड पेन आउट। एंड ये जो इंडिकेटिव साइड ग्रेनेड हो सकता है सांगवान के लिए, एमजी यहां पे चलाया जा रहा है उनकी तरफ से एंड ये काफी ज्यादा डेंजरस साबित होते चले जा रहे हैं। ग्रेनेड यहां पे बात करें, एक मेंबर को फिनिश करेंगे, दूसरे मेंबर को यहां पे टेक डाउन करेंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्स अपने आप को फुल बैकफुट पे बारे डाल के लास्ट मैच एंड क्या संभल पाएंगे, जंप करेंगे, स्प्रे करेंगे, डाउन करेंगे, लेकिन राइट साइड से जोनाथन वंस अगेन यहां पे आएंगे एंड 24 फिनिश पॉइंट निकल। शायद मेरे ख्याल से अंदाजा नहीं रहेगी कौन सी टीम है, बट गोल्डन मिराडो से टीम सोल को तो इतना अंदाजा लग गया होगा कि अगर उन्हें देखे हुए गोल्डन मिराडो यानी एंटिटी उनके सामने आ चुकी है। क्योंकि पोजीशन रिवील्ड है स्काउट के पास, यहाँ पर 1v2 का मौका, उधर से जोनाथन नेट कर रहे हैं, इधर से स्काउट नेट करने वाले हैं, जोनाथन वर्सेस स्काउट और ग्रेनेड का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। ओपनिंग निकलती है या नहीं बहुत मुश्किल रहने वाला है। स्पॉट यहाँ पर किया था, ग्रेनेड कर रहे हैं एक डिफरेंट विंडो पर, 1v3 का मौका रहेगा, सिनेरियो काफी मुश्किल है स्काउट के लिए। रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, बट पावर को यहां पर अभी बंदी बंदी बैठ नॉक कर देंगे। व्हाट इज हैपनिंग, इट्स गोइंग टू बी टू क्योटिक। स्काउट को चाहिए थोड़ा सा बैकअप, रीइंफोर्समेंट कहीं ना कहीं स्काउट को बहुत ज्यादा अकेला छोड़ दिया और उसका ज्यादा फायदा उठाया एंटिटी ने, बट अब वाइपर की बारी आ जाती है। क्या वाइपर कर पाएंगे, सामने से ग्रेनेड आ रहा है, जोनाथन को कैसे यहाँ पर हर बार एंटीसिपेशन ऑन पॉइंट जा रही है और उधर ब्लाइंड का प्लेयर यहाँ पर चलती गाड़ी से या फिर हायर ग्राउंड से नीचे गिर गए, जिस सिचुएशन में आई थिंक गेम्स जो स्काउट थे बिल्कुल उसी सेम सिचुएशन में वाइपर आ चुकी है। बट एक चीज है यहाँ पर, माइट भी या तो कॉल आउट गया था या नहीं गया था, क्योंकि काफी अकेले वहां पर रह गए थे स्काउट। अगर हमने देखा माइट भी रेनफोर्समेंट बुला देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर नियो तो वहां पर देखा जाए वहां पर बस फील करके रह गए। मतलब उन्होंने ग्रेनेड कुक तो करा था लेकिन शायद तभी वहां पर नॉकआउट करा। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, वाइपर को भी इंस्टेंट नॉकआउट फिनिश, मेरे ख्याल से एक टीम वर्क अभी के लिए देखने को मिलता हुआ। एंड अब मॉर्टल है नमन के ऊपर एंड शायद ये जो प्रेशर बिल्ड किया गया है एक एक करके अगर देखा जाए, मायवी अगर देखा जाए वो कोशिश कर रही है यहाँ पर टीम एंटिटी की एक एक करके फिनिश ऑफ करे, क्योंकि टीम वर्सेस अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सिचुएशन इस तरह से क्रिएट की जा रही है कि टीम सोल का एक खिलाड़ी सामने आए और सामने उनके टीम एंटिटी के दो से तीन खिलाड़ी रहे वहां पर, इस तरह की सिचुएशन बनती है अभी के लिए तो देखने को मिल रही है। इस पूरी फाइट को रिंग मास्टर की तरह डोमिनेट पता है कौन कर रहा है, गेम को ऊपर बैठा क्लच गॉड, सारी पोजीशनिंग क्लच गॉड ने दे दी, वाइपर की एंट्री की इंफॉर्मेशन क्लच गॉड ने दे दी, मॉर्टल को भी वो स्पॉट कर सकते हैं, मॉर्टल के पास कोई ऐसा विजन नहीं है जहां से वो बच सके। वो देखिए गाड़ी लेके पावर उधर से चले गए, इधर से जोनाथन आ रहे, ऊपर से क्लच गॉड ने ट्रैप बिछा लिया, बट ये मॉर्टल है, ये कहीं ना कहीं एडीएस खोलेगा और नॉक करेगा सामने वाले खिलाड़ियों को। जोनाथन
जोनाथन को नॉक कर दिया, बट ये था इनको कुछ ग्लिच सा लग गया कि ऊपर ही देखते रहे, विजन नीचे नहीं आ पाया, अमन बचा अकेला खिलाड़ी, मुश्किल रहने वाली है इनके लिए। नियो को यहाँ पर प्रोन शॉट दिया था, डैश पर थर्ड पार्टी यहाँ पर, बट ये थर्ड पार्टी हुआ है, कोई तो खिलाड़ी आया है। गेम अपनी तरफ कर देगी फिर ये, बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से एंट्री ये द मेन पार्ट है, अगर स्काईलाइट्स और एनिग्मा की आपस में फाइट होती है तो जोनाथन बाजी मार जाएंगे, ये बात तो तय है। सभी थोड़ा थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस सबको है। जोनाथन का नाम एक बार फिर से किल फील्ड में, एनिग्मा के अभी को भी स्पॉट कर लेंगे, यहां पर सिनिस्टर को भी स्पॉट कर लेंगे, उनको भी डाउन कर देंगे। 8 मिनट पर जोनाथन आ चुके हैं, 24-25 का इनका रिकॉर्ड था, मुझे लग रहा है अब सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी ये लाइनअप। 25 से ज्यादा फिनिश पॉइंट यहाँ पर अगर एंटिटी लेकर जाती है, इट्स गोना बी टू ड्रामेटिक। लाइनअप यहाँ पर एक ऐसी बन चुकी है, पावर और जोनाथन आर डूइंग वंडर्स फॉर दिस पर्टिकुलर टीम। लगातार ग्रेनेड जा रहे हैं और ग्रेनेड से भी ओपनिंग निकल रही है, कि अकेले खिलाड़ी के लिए मैं परेशान था कि वो एंट्री मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। दसवां फिनिश पॉइंट, माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग, डिसाइडर 1v1 इफ दिस ग्रेनेड माइट बी द डिसाइडर 1। अटैक करने के लिए आगे जा रहे हैं, स्पॉट किया एनिग्मा, की एचपी बहुत ज्यादा कम है, माय गॉड अब शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसे कौन खेलता है। 27वां फिनिश पॉइंट और ये आखिरी ग्रेनेड है, गेम तो क्या ये खत्म है मैचअप इस ग्रेनेड के बाद। देखिए अगर ये परफेक्टली जाते हैं, और जी हाँ यहाँ पर 27 फिनिश के साथ 47 के आप बाहर की हो, चलो वो मैं मान ले रहा हूं, लेकिन इतनी तेजी से आप फाइट की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हो, बैक टू बैक टीम को मुसीबत में यहां पे डालते चले जा रहे हो। बात करें तो टीम लाइट का साउंड हो जाता है, सीधा एंट्री ले लेते हैं, ये एंट्री कितना यहां पे दिक्कत में डाल सकता है, सीधा आते हैं व्हीकल से यहां पे डाउन किया गया, यहां पे निक एमजी का यहां पे काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया। और चेजिंग की बात की जाए, M2 फोन का 9 का एक लास्ट चेस आएगा, एंड टीम टप टप या में फंस सकते हैं वहां पे, यू नो इतना ब्रोकन बोला है कि अगर वहां नॉक हो जाओगे तो आप बचना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, प्रोन रहना आपके लिए बेटर ऑप्शन है। डार्क ने अच्छे शॉट्स कनेक्ट करे, दिस इज अ रियली गुड लॉन्ग रेंज बैटल, बचना पड़ेगा इस पावर को वहां पे। जी हाँ, प्रोन होने की जरूरत थी, प्रोन हुए, एंड अब थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, बिकॉज इस कंपाउंड में अलग अलग एंगल से आपके ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी विंडोज है। और वही होता हुआ नियो यहां पे नॉक हो जाएंगे, एंड जरूर यहां पे जोनाथन उनको रिवाइव कर रहे हैं। टीम टपाटप जो एक फिनिश निकाल चुकी है, अच्छी फॉर्म में है, अग्रेसिव नेचर की टीम है, जरूर देखना चाहूंगा मैं आगे किस तरह से डील करते हैं। फियर्स यहां पे बचने में कामयाब हुए, ब्लेज़ी खत्म हो चुके हैं, 3 प्लेयर्स यहां पे जरूर हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स के साथ, और अच्छा एंगल बनाया यहां पे आइकॉनिक ने अगर बात की जाए तो। बिल्कुल सर, एंगल कमाल करेगा, बस ओपनिंग की यहां पे बात की जाए तो वेट करें वो ओपनिंग, एंड कुछ अच्छी यहां पे लाइक एक दो प्लेयर को यहां पे डाउन करना पड़ेगा। टप टप बात करें तो सारे मेंबर एक अलग लेवल का गन पावर कैरी करते हैं, तो मुश्किल होगा, लेकिन यहां से चांसेस मिला, लेकिन अभी भी स्प्रे के लिए नहीं गए, कितना वेट करेंगे। फाइनली जोनाथन को यहां पे टारगेट किया गया, जोनाथन यहां पे टेक डाउन कर दिए गए हैं, एंड आइकॉनिक अब मैंने पेशेंस के लिए यहां पे मैं 10 में से 10 दूंगा ना, क्योंकि एक प्लेयर को जाने दिया गया, जोनाथन को लगा कि बिल्कुल यहां पे कोई नहीं है, उसके बाद एक सरप्राइज आता है, प्लस ग्रेनेड आ जाता है इस पावर के तरफ से, मानो फुल कुक ग्रेनेड था, एक डॉट सा दिखा, एंड बोल सकते हैं ना मूवमेंट करने का टाइम इन्हें नहीं दिया गया कि आप कवर्स में जा चुके हैं। दिस इज द पावर ऑफ टीम टप टप, एंड फाइनली एस पावर अपने फॉर्म में, फिनिश पॉइंट तो बिल्कुल से छोड़ने वालों में से नहीं है। देखिए एक चीज आप लिख के रख सकते हैं, एस पावर अगर आपको नॉक करेंगे तो एस पावर आपको खत्म भी करेंगे, वो प्लेयर अपने किल्स किसी को नहीं देता और वो प्लेयर लेके रहता है यार, यू नो ये प्लेयर की खासियत है। और अभी के टपा टप को जो वो खून चढ़ चुका है ना, उनको पता है कि सामने प्लेयर्स के पास नंबर्स गेम का एडवांटेज नहीं है, अकेले प्लेयर्स हैं, अब हम रश कर सकते हैं, और रश करते आपको टीम टपा टप नजर आ जाएगी। यहाँ पे सारे प्लेयर्स एक साथ हैं, ग्लोबल स्पोर्ट्स बैकफुट पे हैं, जोनाथन यहाँ पे पहले नेट्स जरूर करेंगे, जी हाँ पहले मैं जोनाथन की बात कर रहा था, बट सी गॉड भी नेट करते हुए, इसी के साथ टीम टपा टप खत्म करती हुई ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को हो चुका है। फाइनली यहाँ पे टीम एलिमेंट का बोल सकते हैं सफर समाप्त हुआ, की तरफ से ग्रेनेड आ जाएगा यहाँ पे, कनेक्शन यहाँ पे बात करें करने में कामयाब हो चुके, न्यू को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन किया गया, जोनाथन अपने व्हीकल को स्टार्ट करके इनकी तरफ आने की कोशिश करें, क्योंकि मुश्किल में नहीं तो अपने आप को पा सकते हैं। जी गॉड की बात करें कि यहाँ पे किकी को फिलहाल टेक डाउन कर चुके, एक अच्छी यहाँ पे ओपनिंग की बात की जाए, जो लग रहा था मुश्किल में आ सकते हैं न्यू, एंड जोनाथन की भी एंट्री आ चुकी, तो अब जाके ये पूरा सिचुएशन यहाँ पे डोमिनेशन की तरफ जाएगा, एंड टीम गॉडलाइक का सफर यहाँ से समाप्त कर दिया जा सकता है, जो कि आखिरी मैन रहेंगे यहाँ पे रेड आउट के वहां से, जो कि टीम आर करेंगे और इंस्टेंट अपने आप को प्रोन कर लेंगे, क्योंकि स्टैंड रहेंगे तो मैच से बाहर कर दिए जा सकते थे। देखिए यहाँ पे टीम टपटप ऐसा नहीं है कि ये ओपन में प्लेयर है तो इसको छोड़ देंगे, इनके ऊपर भी मेरे ख्याल से यहाँ पे टीम टपटप के प्लेयर रश करते हैं, आपको दिख सकते हैं टीम टपटप एक ऐसी टीम है जो रश करने में बिलीव करती है, सारे प्लेयर अब आप देखिए एक साथ अटैक करने की कोशिश करते हुए, जैसे कि मैं बात कर रहा था ये टीम ऐसी नहीं है कि यार घर का कवर है हमारे पास हम वही रुकते हैं इस प्लेयर को जाने देते हैं, जी नहीं इस प्लेयर को हंट करा जा रहा है, थोड़ा संभलना पड़ेगा यहाँ पे आइमाज़िक को, बिकॉज अब इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। रेड आउल आइमाज़िक जो अभी भी कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे बने हैं रेड आउल गेमिंग के, काफी अच्छे कंटेंट
यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, बट साथ ही साथ खेल भी काफी अच्छे सकते हैं जो हमने पहले देखा है। बट अभी के लिए टीम टपाटप रश करती है, खत्म करती है एनएसए के साथ शानदार जीत। पीछे जाएंगे अभी के लिए, डैमेज मिल रहा है, हील कर कर आगे जाना एक अच्छी थॉट रहेगी। उधर से एस पावर भी नॉक डाउन थे तो उनको भी हील करने का टाइम चाहिए। आगे जा रहे हैं नियो जो कि एक अच्छी थॉट रही है, नहीं करा हुआ, और ये लीजिए उसी के चलते यहाँ पर नियो हो जाएंगे नॉकआउट। जिम्मेदारी एक बार फिर से एस पावर और जोनाथन की तरफ है, और नंबर इक्वेशन कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, सेवन सीज की भी वहां पर भी काफी टफ टाइम चल रहा है। प्रधान सिर्फ अकेले बचे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके तो प्रधान बचे हैं, बट अलादीन कुछ अलग एंगल्स ट्राई कर रहे हैं अभी। बट जितना भी हो सके यहाँ पर हील अप करना बहुत जरूरी, क्योंकि स्लैमिन अब यहाँ पर आ चुका है। तीन खिलाड़ी पर्टिकुलर अलग डायरेक्शन से यहाँ पर आएंगे, एंड अगर बात करते हैं अलादीन की, वो अभी मेरे मुझे लगा था यहाँ पर हील अप करने के लिए गए हैं और अभी तक नहीं किया गया है। न्यू क्या यहाँ पर नॉकआउट, यहाँ नॉकआउट तो हो चुका है, लेकिन जी गॉड का ये स्प्रे ये बिल्कुल डैमेज देके जाएगा। और प्रधान उनकी लोकेशन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्पॉट आउट हो चुकी है जोनाथन के द्वारा, क्योंकि जिस तरफ ये मोलोटोव फेंका गया था ना मायवी, वो एक तरीके से साफ दर्शा रहा है कि लोकेशन स्पॉट आउट है। एंड लेट्स फाइंड आउट, सारंग को यहाँ पर रिवाइवल दिया जा रहा है, जी गॉड अब आगे की तरफ से बढ़ेंगे, राइट साइड से अब कुछ जोनाथन, एंड ये 2v4 सिनेरियो लेट्स फाइंड आउट की करके दिखा सकते हैं कि नहीं। खबर बहुत अच्छा दे रही है एनटीटी की लाइनअप, एक एक कर कर यहाँ पर अपने आप को लड़खड़ाते हुए बचा रहे हैं। इधर से सेवन सीज की टीम बैकफुट पे धकेलती हुई क्लियरली दिख रही है, मौका दे नहीं रही एनटीटी के प्लेयर्स, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं पीछे, उनको भागते हुए भी रोक रहे हैं ये सारे एनटीटी के खिलाड़ी।